साल 1969 अमेरिका का अपोलो 11 मिशन मात्र 4 दिन में धरती से चांद तक पहुंच गया और इसी से इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। साल 2010 चीन ने चेंगी 2 मिशन के दौरान भी धरती से चांद तक पहुंचने में मात्र 4 दिन ही लगाए, लेकिन धरती से चांद की दूरी सबसे कम वक्त में तय करने का रिकॉर्ड तो सोवियत संघ रूस के लूना 1 मिशन के नाम है, जिसने सन 1969 में चांद तक पहुंचने में महज 36 घंटे का वक्त लिया। अब प्रश्न उठता है, अगर चीन, अमेरिका और रूसिया के स्पेसक्राफ्ट को धरती से चांद तक पहुंचने में मात्र 4 दिन का वक्त लग सकता है, तो फिर भारत के चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में 40 से 42 दिन का वक्त क्यों लग रहा है? जितना ये प्रश्न दिलचस्प है, उतना दिलचस्प इसका जवाब भी है। तो चलिए बताते हैं आपको, आखिर क्यों बाकी देशों के मुकाबले हमारा चंद्रयान चांद तक पहुंचने में इतना वक्त ले रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ भवानी और आप देख रहे हैं प्री साइज ज्ञानी। अगर आप चंद्रयान से जुड़ी खबरें देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, इसी महीने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन इसरो द्वारा सतीश धवन अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करने की उम्मीद की जा रही है। अब आपका ये जानना जरूरी है, जो चांद हमें दिखाई देता है और जो हमारी धरती है, इनके बीच की दूरी 3,83,000 किलोमीटर की है, यानी धरती से छोड़े गए स्पेसक्राफ्ट को चांद तक पहुंचने में लगभग 4,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। धरती से चांद तक जाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, धरती से रॉकेट छोड़िए और वो रॉकेट सीधा धरती से चांद की तरफ उड़ान भरता है, जिससे 4 दिन में ही सीधे चांद तक पहुंचा जा सकता है। ये तरीका वही है जिस तरीके को चीन, अमेरिका और रसिया यूज करते आ रहे हैं। इसके अलावा चांद तक पहुंचने का दूसरा तरीका भी होता है, जिसमें रॉकेट द्वारा स्पेसक्राफ्ट को पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है, फिर ये स्पेसक्राफ्ट वहीं चक्कर लगाना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये स्पेसक्राफ्ट चांद की दूरी तय करने के लिए फ्यूल की जगह 2 चीजों का इस्तेमाल करता है, पहला धरती की रोटेशनल स्पीड और दूसरा धरती की ग्रेविटेशनल पुल। चलो इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। असल में होता यह है, स्पेसक्राफ्ट जब धरती के ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो धरती के ग्रेविटेशनल पुल की मदद से धरती के ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू कर देता है। अब धरती अपनी दूरी पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट को रफ्तार पकड़ने में मदद मिलती है। फिर धीरे धीरे धरती पर बैठे साइंटिस्ट इसकी ऑर्बिटल प्रॉपर्टीज के जरिए स्पेसक्राफ्ट का दायरा बदलते हैं। इस प्रक्रिया को बर्न भी कहते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट का धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाने का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है और धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स का असर उस पर कम होना शुरू हो जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब स्पेसक्राफ्ट को बर्न की मदद से चांद के रास्ते पर सीधा भेज दिया जाता है और बिना किसी मेहनत के आसानी से स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुंच जाता है। ये वो तरीका है जिसके द्वारा भारत का इसरो चंद्रयान 3 को चांद पर भेज रहा है। अब तक इसरो ने ऑर्बिटल मैनूवरिंग के जरिए 2 बार चंद्रयान 3 का ऑर्बिट बदल चुका है। अभी यह 41,603 किलोमीटर मल्टीप्लाई 226 किलोमीटर के ऑर्बिट में है। चंद्रयान 3 को चांद के लिए रवाना होने से पहले 5 बार ऑर्बिटल मैनूवरिंग करनी है, जिसके बाद इसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी यानी चांद के रास्ते पर डाल दिया जाएगा, जिससे यह सीधा बिना किसी मेहनत के चांद पर पहुंच जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये है, अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को सीधे चांद पर भेजा जा सकता है तो इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए ये इतना लंबा रास्ता क्यों चुना? इसके पीछे 2 वजह हैं। पहला कॉस्ट यानी खर्चा और दूसरा है ताकतवर रॉकेट।